हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स भी देखे थे हमने। वो टॉपिक्स थे हाउ आर करैक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी और एक हाउ डू जीन्स कंट्रोल द करैक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। आज आपका टॉपिक है, वो है सेक्स डिटरमिनेशन। क्या है देखो, द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन। ह्यूमंस शो एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर आप जानते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब उन 23 पेयर्स में से 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। ये 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो हैं बोथ मेल्स और फीमेल्स में सेम होते हैं। केवल एक पेयर है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, वही डिफरेंट होता है। जो फीमेल्स के अंदर तो क्या है, XX। जो फीमेल्स के अंदर तो क्या होता है, XX होता है, आपको यहाँ दिखाया भी गया भी है। और मेल्स के अंदर वो होता है XY, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मेल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि स्पर्म कैरी आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। और ओजेनेसिस के दौरान जो फीमेल्स होती है वो ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करती है हैविंग एक्स क्रोमोसोम। दिखाई भी दे रहा होगा आपको यहाँ पर। अब जब कोई भी एक ओवम फर्टिलाइज्ड होता है स्पर्म से विच कैरी एक्स क्रोमोसोम डेवलप्स इंटू अ फीमेल, यानी कि फीमेल में वापस से क्या होंगे, XX क्रोमोसोम। और एन ओवम फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म कैरिंग Y क्रोमोसोम डेवलप्स इंटू अ मेल, यानी कि XY। तो हैंस इट इज एविडेंट दैट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। इन एवरी प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर मेल और फीमेल चाइल्ड, सो इट इज नॉट करेक्ट टू ब्लेम वुमेन फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चाइल्ड। अब ये जो मेथड है सेक्स डिटरमाइनिंग का, आप उसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। लेट अस कंसीडर पेरेंट्स, फादर और मदर। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, मतलब कि कितने हो गए टोटल, 46 हो गए। अब अगर हम इनका जीनोटाइप देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 44 प्लस XY। 44 तो क्या है, ऑटोसोम से, और X और Y, ठीक है, तो 44 के बाद 45 और 46 हो गए। मदर के अंदर भी क्या है, 44 ऑटोसोम्स प्लस XX, तो 44, 45 और 46 हो गए, यानी कि 23 और 23 पेयर्स हो गए। अब जब फादर के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, यानी कि 22 हाफ हो जाएंगे, है ना। मियोटिक डिविजन्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इनमें, तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, यानी कि जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी उनमें हाफ में तो एक्स है और हाफ में तो वाई है। और जो ओजेनेसिस के बाद ओवा की फॉर्मेशन होगी, उनके अंदर जितने भी ओवा होंगे उनके अंदर 22 प्लस एक्स ही क्रोमोसोम होंगे। अब F1 जनरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, अगर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स फ्यूज होंगे तो 44 प्लस XX आ गए, तो वहाँ पर फीमेल चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी। और 22 प्लस वाई अगर 22 प्लस एक्स से फ्यूज़ होगा तो 44 प्लस XY आ जाएगा, तो वहाँ पर मेल चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी। ये है सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म जो कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, इन सम रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग इज इनक्यूबेटेड बिफोर हैचिंग प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऐसा देखा गया है कुछ रेप्टाइल्स के अंदर कि टेम्परेचर जिस पर कि फर्टिलाइज्ड एग को इंक्यूबेट किया जा रहा है हैचिंग के पहले, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफस्प्रिंग्स के सेक्स को डिटरमाइन करने में। ऐसा पाया गया है कि जो टर्टल्स होते हैं उनके अंदर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो है
लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग। अगर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर है तो वहाँ पर फीमेल ऑफस्प्रिंग की या फीमेल प्रोजेनी की फॉर्मेशन होती है। जबकि लिजार्ड के केस में ऐसा देखा गया है कि अगर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर है तो वहाँ पर मेल ऑफस्प्रिंग की या मेल प्रोजेनी की फॉर्मेशन होती है। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे स्नेल्स, ये क्या कर सकते हैं, अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली इन सच एनिमल्स। तो ये था एक तरीका सेक्स डिटरमिनेशन का ह्यूमन बींग्स में कैसा है और कुछ अदर एनिमल्स के जो एग्जाम्पल दिए हैं उनमें कैसा है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है आपके, इसमें पूछ लेते हैं बीच में कि हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं आप जानते ही हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, वो किस तरह से इनहेरिट होते हैं। देखो आप जानते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी और ओ। अब इन चारों ब्लड ग्रुप में से किसी भी पर्सन में एक ही ब्लड ग्रुप होगा। अब ये ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम होता है वो एक जीन आई के जरिए कंट्रोल होता है। और ये आई जीन जो होता है उसकी 3 डिफरेंट एलीलिक फॉर्म्स बताई गई है, जिसको हम आई ए आई बी और आई ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम होल पॉपुलेशन को देखें किसी भी, तो वहाँ पर जो जीन आई है उसकी 3 एलीलिक फॉर्म्स देखने को मिलेगी, लेकिन किसी भी पर्सन के अंदर इन 3 में से 2 ही एलीलिक फॉर्म्स होगी। और वो 2 एलीलिक फॉर्म्स ही क्या करती है, डिटरमाइन करती है किसी भी पर्सन के ब्लड ग्रुप को। अब ये जो आई ए और आई बी नाम के जो एलीलिक फॉर्म्स होती हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कोडोमिनेंट होती हैं, यानी कि अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। लेकिन आई ए और आई बी जो है वो आई ओ पर डोमिनेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर ये आई ओ के साथ होंगे दोनों तो ये अपने आप को ही एक्सप्रेस करेंगे, आई ओ को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर क्या किया जाता है, ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। देखो ब्लड ग्रुप्स, देखो ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल बाय जीन आई, मैंने आपको भी ये बताया। अब ये जीन आई की क्या है, 3 एलीलिक फॉर्म से, 3 एलील से आई ए आई बी और आई ओ से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये आई ए और आई बी दोनों तो क्या है, कोडोमिनेंट हैं। ये दोनों अगर साथ साथ हैं तो दोनों ही अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन ये दोनों जो है ना वो आई ओ पर क्या है, डोमिनेंट है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म अगर आई ओ के साथ है तो फिर ये अपने आप को ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पर क्या होता है, जीनोटाइप डिटरमाइन होता है और उस जीनोटाइप के बेसिस पर ही ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ 4 कॉलम्स बनाए हैं। लेट अस कंसीडर पेरेंट, दोनों पेरेंट्स के से ही जीनोटाइप डिटरमाइन होगा ऑफस्प्रिंग का। तो एलील फ्रॉम पेरेंट फर्स्ट और एलील फ्रॉम पेरेंट सेकेंड, फिर जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग और ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब लेट अस कंसीडर हम देखते हैं कि एक पेरेंट के अंदर आई ए है और दूसरे में आई बी है, तो जीनोटाइप क्या होगा ऑफस्प्रिंग में, आई ए और आई बी, तो फिर ऐसे में ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए बी। इसी तरह से लेट अस कंसीडर अगर दोनों ही पेरेंट में आई ए इसमें भी है आई ए इसमें भी है, तो जीनोटाइप क्या हुआ, आई ए और आई है, तो फिर ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर इसमें आई बी और आई बी है तो फिर क्या हुआ, जीनोटाइप आई बी आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अब अगर मानिए एक एलीलिक फॉर्म जो है एक पेरेंट में वो आई ए है और दूसरे में आई ओ है, आई ओ को स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। अब इसका जीनोटाइप क्या बना, आई ए और आई ओ। अब हम जानते हैं कि ये आई ए जो है वो आई ओ पर डोमिनेंट है, जब ये इसके साथ है तो ये अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा, तो फिर वो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। अब अगर ऐसे ही आई बी है और दूसरे से आई ओ है, तो जीनोटाइप क्या बना, आई बी और आई ओ, तो यहाँ पर भी कौन एक्सप्रेस होगा, बी ही, क्योंकि बी इस पर क्या था, डोमिनेंट था। और अगर आई ओ और आई ओ है दोनों के अंदर, तो फिर क्या होगा, आई ओ और आई ओ होगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप के नाम से फिर हम जानते हैं। और आप ये तो जानते ही हैं कि आई ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी क्या कर सकता है, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और ए बी जो है वो रेसिपिएंट है यूनिवर्सल, तो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो ये था एक मैकेनिज्म कि ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो किस तरह से पेरेंट्स से क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। फिर आता है एक छोटा सा और टॉपिक आपके इसके अंदर, वो बताया है इन्होंने एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट किसको कहेंगे और इनहेरिटेड ट्रेट किसको कहेंगे।
देखो, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इनहेरिट नहीं होते हैं, जबकि किसमें किससे डेवलप होते हैं, एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स से डेवलप होते हैं, उसको हम एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। या सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आफ्टर बर्थ जो हम कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड करते हैं वो क्या कहलाता है, एक्वायर्ड ट्रेट कहलाते हैं। और एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं वो आगे इनहेरिट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसका हाथ कट गया, तो वो कटा हुआ जो हाथ का करैक्टर है उसका, वो आगे क्या नहीं होगा, उसकी ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिट नहीं होगा। यानी कि जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो क्या नहीं होते, फ्यूचर जनरेशन में पास आउट नहीं होते। केवल वही ट्रेट ट्रांसमिट होते हैं फ्यूचर जनरेशन के अंदर जो कि हमारे जीन्स या डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट हैं, जो जीन्स और डीएनए हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर या गैमेट्स में प्रेजेंट होती हैं, उनमें बदलाव आने से ही क्या होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो उनको हम एक्वायर्ड ट्रेट के नाम से जानते हैं। अ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप्स इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन एक्वायर्ड ट्रेट। द एक्वायर्ड ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैनॉट बी पास्ड ऑन टू देयर फ्यूचर जनरेशंस। ओनली दोज ट्रेट्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशंस इन विच चेंजेस हैव अकर्ड इन द जीन्स और डीएनए प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। वही क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो आप एक्वायर्ड ट्रेट का। मानो कोई बीटल है, उसको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाया कुछ समय तक, तो उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया स्टारवेशन की वजह से। अब ये जो लो वेट था बीटल का, वो क्या था, उसका एक्वायर्ड ट्रेट था जो उसने कैसे एक्वायर्ड किया, एनवायरमेंट के रेस्पॉन्स से। जिस एनवायरमेंट में क्या नहीं था उस वक्त, सफिशिएंट फूड नहीं था, यानी कि वहाँ पर क्या था उस समय, इनसफिशिएंट फूड था, तो उसको क्या हो गया, वेट उसका लॉस हो गया। लेकिन अगर मानो एनवायरमेंट में अचानक फूड की क्वांटिटी बढ़ती है तो हो सकता है उसका वेट फिर से बढ़ जाए। तो ये जो वेट का लॉस और गेन है ये एक्वायर्ड ट्रेट है जो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आ रहा है, जो आगे क्या नहीं होगा, उसकी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगा। लेट अस कंसिडर एक माउस है, उसकी टेल जो है वो कट जाती है किसी कारण से, है ना, तो वो कटी हुई टेल का जो उसका कैरेक्टर है वो क्या नहीं होगा आगे, वो आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये क्या कहलाते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट कहलाते हैं। एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट, जो क्या होते हैं, जीन्स और डीएनए के अंदर चेंज आ जाने की वजह से आते हैं। यानी कि अ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉज्ड बाय अ चेंज इन इट्स जीन और डीएनए इज कॉल्ड एन इनहेरिटेड ट्रेट। वो क्या कहलाते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, पास्ट होते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी में, क्योंकि क्या हो गए हैं, वो प्रोड्यूस हुए हैं उनके जीन्स या डीएनए के अंदर चेंज आ जाने की वजह से, तो वो क्या होंगे, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होंगे। जैसे एक एग्जांपल है, देखते हैं कि एक पॉपुलेशन है रेड बीटल्स की जो कि ग्रीन बुशेस में रहती हैं। अब आप अगेन सपोज करो कि रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जरिए वहाँ पर एक कलर वेरिएशन अराइज हो जाता है, तो उन सब रेड बीटल्स में से एक बीटल जो थी वो ग्रीन कलर की हो जाती है इंस्टीड ऑफ रेड। अब ये जो ग्रीन कलर का चेंज आया है बीटल के अंदर, वो कैसे आया, कि उन बीटल के जीन्स या डीएनए में जो उनकी रिप्रोडक्टिव सेल्स के थे उनमें बदलाव आने से आया। मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स के जो जीन्स थे या डीएनए थे उनके अंदर जब चेंज आया तो ये कलर वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ। तो ये ग्रीन कलर जो है बीटल का, अब आगे क्या हो जाएगा, वो इनहेरिट हो जाएगा उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, है ना। अब ये चेंज जो हुआ है रेड से ग्रीन बीटल में, उसको हम एक तरह से इवोल्यूशन का एग्जांपल भी मान सकते हैं, क्योंकि क्या करेगा ये, उसको सर्वाइवल में हेल्प करेगा। जब ग्रीन बीटल ग्रीन बुशेस के अंदर मिक्स हो जाएगा तो अपने आप वो उसके प्रेडेटर्स को दिखेगा नहीं, तो वो उसको क्या देगा, एक सर्वाइवल एडवांटेज भी देगा। ठीक है, तो वो एक एवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल है, तो वो कहलाते हैं फिर इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हेरिडिटी वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इवोल्यूशन तो हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, इवोल्यूशन तो आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ इस चैप्टर में से हेरिडिटी ही था, तो वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एक बार जो है ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो एक बार हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और आपको क्या क्या करना है इस टॉपिक में से। देखो, सबसे पहले शुरुआत की थी हमने हेरिडिटी से, डेफिनेशंस सबसे पहले करनी है आपको, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स भी हमने देखे। उसके बाद जेनेटिक्स क्या थी,
फिर आया टॉपिक आपका अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस का जो अक्यूमुलेशन होता है वो किस तरह से होता है ये भी हमने देखा था। फिर हमको मेंडल के लॉस पढ़ने थे, तो वो लॉस पढ़ने के पहले हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, जिसमें से कि एक हमने देखी थी क्रोमोसोम, फिर क्या होते हैं जीन, ठीक है। क्रोमोसोम के बाद हमने देखे थे जीन क्या होते हैं, जीन के बाद जो था वो हमने देखा डोमिनेंट जीन क्या होते हैं, डोमिनेंट जीन क्या होते हैं, फिर रेसेसिव जीन क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होता है, फीनोटाइप क्या होता है, फिर हमने देखा था F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के बाद हमने देखी है F2 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन के बाद हमने पढ़े थे मेंडल के लॉस के बारे में, आए हमारे मेंडल के लॉस। वहां पर मैंने आपको बताया कि पी प्लांट जो था उन्होंने उनको अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया, तो उसके बाद हमने देखा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। फिर मेंडल के लॉस देखने के बाद हमने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल देखा जो क्या था, पी प्लांट, ठीक है। फिर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था और डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था वो देखा। फिर हमने 3 लॉस देखे मेंडल के, वो 3 लॉस क्या थे मेंडल के, जो थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमने देखे। फिर उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक के बारे में बताया, वो टॉपिक था हाउ आर ट्रेट्स ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी। फिर देखा था हाउ आर ट्रेट्स ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी, हाउ डू जीन्स कंट्रोल द ट्रेट्स, फिर हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड, ठीक है। फिर सेक्स डिटरमिनेशन किस तरह से किया जाता है, और लास्ट में जो था वो था एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ऐसे करके हमारा ये पूरा चैप्टर था, हेरिडिटी, वेरिएशंस, वेरिएशंस के एग्जांपल्स, जेनेटिक्स, अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, फिर कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस, क्रोमोसोम्स, जीन, डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, बीच में मैंने आपको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के बारे में भी बताया, फिर मेंडल के लॉस। जब हमने शुरू किए तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो था वो पी प्लांट को लिया, तो क्यों लिया, है ना, क्या कारण थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से थे पी प्लांट के, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, 3 लॉस जो थे मेंडल के उनकी डेफिनेशन क्या थी वो भी इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक है। और हाउ आर ट्रेट्स ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी, हाउ डू जीन्स कंट्रोल द ट्रेट्स, हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड, फिर सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म देखा हमने अभी, और एक एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। ऐसे करके आपका ये जो टॉपिक था या जो चैप्टर था हेरिडिटी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।